मौजूदा हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। मियांवाली से लीगी रहनुमा साबिक MNA इनामुल्ला खान नियाजी की रोही से गुफ्तगू। कहते हैं इलेक्शन वक्त पर होंगे, उनका मजीद क्या कहना है जानते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक MNA इनामुल्ला खान नियाज साहब, आपसे बात करते हैं। सर, पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ वजीर आला बन चुके हैं, वोट भी हासिल कर चुके हैं, अभी तक उन्होंने हल्फ नहीं लिया, क्या कहेंगे इस सूरत हाल के हवाले से? एक जिद्दी पार्टी और जिद्दी इंसान के मुकाबले में आ गए हैं। उस शख्स का ये जहनीत है कि वो चाहते हैं अगर मैं नहीं तो कोई भी ना हो। इतनी इतनी सूरत हाल खराब खड़ी है इस मुल्क की सियासत की, और जो कल्चर जिन्होंने इंट्रोड्यूस करा दी है, ये आज तक पाकिस्तान की तारीख में ये कल्चर नहीं था। ये पहली दफा इमरान खान साहब ने ये कल्चर तारुफ कराया है, और ये सारे का सारा जो लोगों पर कीचड़ उछाल रहे हैं, गंद उछाल रहे हैं, सारा वापस रिटर्न में इमरान खान साहब के अपने गले में पड़ेगा, और इमरान साहब को अभी बहुत सी बातों के जवाब देने हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस वक्त PTI के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से मुसलसल मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, क्या समझते हैं मौजूदा हुकूमत कितना अरसा निकालेगी? सर, इल्जाम तो वो पिछले 3.5-4 साल से लगा रहे हैं, उनका इल्जाम का मसला नहीं है। उनका जिंदगी में ये उसके उनका मंशूर है, कितना झूठ बोलो इतना बोलो कि सच लगने लग जाए, ये उनका मंशूर है। और जहां तक बात है, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, इमरान साहब जो इतना नाचने नाच लें, वफाक की हुकूमत इंशाल्लाह ताला 2023 में इलेक्शन करवा के ही फारिग हो गई। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, जैसा कि आपने इनामुल्ला खान साहब की बात सुनी कि मौजूदा हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे।